देशभक्त चैनल में आपका स्वागत है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गुढ़ा रोड से, जो कि जुआ खेलते हुए 7 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है और 7 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिटी पुलिस के द्वारा जो है एक जगह पर छापेमारी की जाती है, गुड्डा रोड पर एक मकान के सामने खाली प्लाट में जो है ये आरोपी जो है वहाँ पर जुआ खेलते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस के द्वारा छापेमारी करने के बाद इन 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आप तस्वीरें देश अब तक चैनल पर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गुड्डा रोड से आ रही है, जहां पर जो है 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि अवैध रूप से जुआ खेलते हुए पुलिस ने धरपकड़ किए और उसको 7 आरोपियों को कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो है 7 लोग जो है अवैध रूप से जुआ खेलते हुए, पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर पता लगा था कि 7 लोग जो है एक खाली प्लाट में जुआ खेल रहे हैं, उन पर धरपकड़ की और वहां पर जो है 7 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि गोहाना की सिटी पुलिस अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हासिल हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गुड्डा रोड पर एक मकान के बाहर खाली प्लाट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित की, रेड की गई। मौके पर पुलिस ने 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है और बड़ी रकम जो है उनके पास से बरामद हुई है। हम आपको बता दें कि पुलिस के छापेमारी के दौरान जुआ खेल रहे 7 लोगों के पास से 1,17,380 रुपये कैश भी बरामद हुआ है और पकड़े गए आरोपी पहले भी इस तरह की एक्ट में और मारपीट के मामलों में पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गोहाना के और गोहाना के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। गोहाना के सिटी SHO सुवित कुमार ने बताया कि आज हमें एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोपड़ा कॉलोनी के नज़दीक गुड्डा रोड पर एक प्लाट में अवैध रूप से जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने 2 टीमों की गठन किया और वहाँ पर जाकर रेड मारी तो मौके पर 7 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इन सभी 7 लोगों के खिलाफ जो है 1,17,380 रुपये कैश भी बरामद किया है। सभी अलग अलग जगह से आकर जुआ खेलने का काम करते थे। इसके खिलाफ भी गैंगरेप एक्ट एवं मारपीट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जो है बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जो कि गुड्डा रोड पर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है और जो 7 लोग हैं, 7ों के पास जो है 1,17,380 रुपये भी बरामद हुए हैं और उनके पास से कुछ मोबाइल भी मिले हैं, लेकिन अभी मोबाइल की हमें कोई सूचना नहीं दी गई है, पुलिस के द्वारा डिटेल नहीं बताई गई है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे कि कितने मोबाइल उनके पास से मिले हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि पुलिस सिटी पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है और वहाँ पर 7 लोगों को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कोई भी इस तरह की खबर है तो हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर आप जरूर संपर्क करें और तुरंत ही हमारी टीम आपके पास पहुँच जाएगी और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिटी पुलिस की जो है बड़ी कामयाबी है, आज गुड्डा रोड से 7 लोगों को अवैध रूप से सट्टा खेलते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कि भाई गुड्डा रोड पे अवैध रूप से जुआ चल रहा हुआ है, जिसमें हमने 2 टीमें तैयार की गई, दोनों टीमों ने वहाँ पे इकट्ठी रेड की गई, जिसमें 7 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमें टोटल अमाउंट 1,17,380 रुपये का जुआ पकड़ा गया। सर ये कॉलोनी है, सर ये चोपड़ा कॉलोनी है गुड्डा रोड पे, वहाँ से उसको पकड़ा गया। किसी मकान में खेल रहे थे सर? नहीं, मकान के बाहर बिल्कुल खुला चारों तरफ की दीवार थी, वहाँ को उसको पकड़ा गया। सर जो पकड़े गए युवक है कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़े गए युवक अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इस पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं,
पेशावर गैम्बलिंग एक्ट के सभी गैम्बलिंग एक्ट खेलते हैं, कुछ और भी इनके अन्य मामले दर्ज हैं, कुछ ताज़दारी कुछ पे लड़ाई झगड़े के कुछ पे गैम्बलिंग एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। क्या कोई लीडर भी पकड़ा सर इनके साथ में? सॉरी, जो खिलाने वाला है कोई मेन सदस्य हो साथ ही गिरफ्तार किया? हाँ जी, उसमें भी वही एक सदस्य है। सर थोड़े नाम बताएंगे कहाँ कहाँ कौन है? ये अलग अलग रहने वाले हैं, कुछ बिचपड़ी के रहने वाले हैं और कुछ गुआना के हैं और कुछ लोकल यहाँ गुआना के रहे हैं।